हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत के कुछ प्रमुख समिति और उससे रिलेटेड आयोग के बारे में बात करेंगे कि किस लिए समिति और आयोग का गठन किया गया था, इसके बारे में हम पूरी जानकारी रखेंगे। आज हम 15 ऐसे समिति और आयोग दोनों मिला के बात करेंगे जो हर एग्ज़ाम में ग्रुप डी हो या SSC या रेलवे का कह सकते हैं, यहाँ तक कि UPSC और PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं कह सकते हैं कि जो स्टेट लेवल के जो होते हैं PCS के, उसमें भी ये अक्सर हर पेपर में एक से दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं या कभी कभी उस घटना के बारे में पूछा जाता है कि इस घटना जो घटित हुई थी इसके लिए कौन सी समिति का कह सकते हैं गठन या जो आयोग होता है उसकी गठन किया गया था। तो मैं सबसे पहले ये भी बताऊंगा कि समिति और आयोग में क्या अंतर होता, अगर ये आपको दोनों क्लियर होगा पॉइंट कि समिति और आयोग में क्या अंतर होगा तो आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। ये अगर मैं कह सकता हूँ कि एक पार्ट में अगर ये नहीं से पूरा हो पाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके लिए डबल या सेकेंड पार्ट भी बताने की कोशिश करूँगा और बनाऊँगा, जल्द ही आपको आपके रिक्वेस्ट के ऊपर आएगा। तो चलिए, मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ ये आप जो केएलडी क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप इसको जाकर वहाँ पर लॉग इन करके अपने मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है KLDClasses., आप यहाँ पे MOL MEL आप अपने लगा सकते हैं KLDClasses.. ये MEL है, आप इस पे जाके लॉग इन करके आप हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये लाइन आपको हेडलाइन दिखाई दे रहा होगा कि भारत के प्रमुख समिति आयोग कह सकते हैं कि देखिए समिति और आयोग में अंतर होता है, में पेपर में आता है, हर पेपर में ये पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है ये बहुत ही बड़ी बात होती है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आयोग क्या होता है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज करना चाहता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आयोग क्या होता है। देखिए पढ़ना तो सभी को आता है और कह सकते हैं कि किताब में हर चीज़ लिखा होता है, लेकिन समझ में अगर कितना आता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो आयोग की जो परिभाषा होती है, होता है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा गठित एक संगठन, आयोग कहा जाता है। समझिएगा इसका मतलब क्या होगा कि विशेष किसी विशेष उद्देश्य, जैसे किसी की घटना हो गई, जैसे इंदिरा गांधी मतलब जो हत्याकांड है या राजीव गांधी हत्याकांड है, ऐसे जो देश में भारत देश में जो घटनाएं घटित हैं उसके लिए जो कह सकते हैं कि लोगों का समूह या दो लोगों को, तीन लोगों का, पाँच लोगों को मिला के एक टीम बनाई जाती है उसको आयोग कहा जाता है। बस आपको ये समझना होगा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि आखिर में राजीव गांधी हत्याकांड क्यों हुआ या इंदिरा गांधी हत्याकांड क्यों हुआ या देश में ऐसे जो कांड हो रही हैं जिससे देश का मतलब कह सकते हैं कि शासन और प्रशासन हर प्रकार के जो आंतरिक और बाहरी शक्ति पे ऊपर उंगली उठता है, सरकार हर देश उठाती है, तो इसको लेकर क्यों हुआ इसके बारे में जो जाँच करती है उसको आयोग कहा जाता है। तो आयोग के बारे में आपको मैं अभी एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊँगा कि कैसे ये टीम बनती है इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा चीज होता है हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि समिति क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि समिति क्या हो। तो आप परिभाषा पढ़ लीजिए कि समिति क्या है, जैसे हमने आयोग के बारे में पढ़ा उसी तरह से समिति किसी विषय पर विचार के लिए बनाया गया लोगों का समूह। कोई विचार है जैसे कृषि में हमको सुधार करना है, बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार करना है, जैसे आप समझ सकते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ी बैंकिंग की क्या प्रॉब्लम है कि NPA जो उनका कह सकते हैं होता ना कि पैसे व्यापारी को दे दिए वो पैसा लेके भाग गए, उनका पैसा नहीं चुका, ऐसी जो समस्याएं आती हैं इसके लिए जो टीम बनाई जाती है उसको समिति कहा जाता है। तो इसमें समझ सकते हैं कि जो आयोग होता है इसमें और समिति में एक अंतर ये भी होता है कि जो आयोग होता है उसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो पहले से ही निर्धारित होती है, जबकि समिति में ऐसा नहीं होता। समिति में सरकार के ऊपर होता है कि वो आगे या पीछे घटा या बढ़ा सकती है, तो ये आपका अंतर होता है। इसके बाद आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा, अब देखिए अब मैं 15 चीज़ों के बारे में बात करूँ, आपको हर एक चीज़ को आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहला हमारा होता है नानावटी, नानावटी के बारे में आप जानते होंगे, नानावटी आयोग ये क्यों गठित किया गया था इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इसमें भी इनका कह सकते हैं कि हाथ मतलब माना जाता है कि इनका भी इसमें इस घटना जो ये कांड हुआ था इसमें हाथ है। ये मामला आपका है गोधरा कांड, जिसे कह सकते हैं कि 2002 के भी नाम से जानते हैं या जिसे हम गुजरात दंगा के भी नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं कि गुजरात दंगा या नानावटी आयोग के लिए कह सकते हैं कि कब इसके आयोग का गठन किया गया था इसके बारे में। तो ये देखिए गोधरा कांड 2002 में हुआ था, हुआ क्या था मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। हुआ क्या था कि आपका जैसे ट्रेन आपका चलता है ना कि लखनऊ एक्सप्रेस है या ऐसे एक्सप्रेस है, इसी तरह से एक ट्रेन का नाम था साबरमती,
एक्सप्रेस, ये ट्रेन थी जिसमें कोच जैसे होता ना कि S1 S2 इस तरह से, तो S6 एक कोच था। साबरमती एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसमें उसमें कुछ लोगों ने, गुजरात के ही लोगों ने उस ट्रेन को रोके और स्टेशन जो स्टेशन था वहाँ पे उन्होंने कह सकते हैं उसको आग लगा दिया था, जिससे उस ट्रेन में उपस्थित या उस डब्बे में उपस्थित S6 में सभी लोग मारे गए थे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री या पुरुष या बॉय हो, छोटे बच्चे तक भी नहीं बचे थे। सभी लोग इसमें कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से जल चुके थे। और मैं आपको ये ट्रेन, आप तो देखी के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल हुआ था, कि पूरी ट्रेन जल के राख हो गई थी। मैं इसके लिए और इमेज आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितना बड़ा ये ये दंगा हुआ था। और ये कह सकते हैं इसीलिए इसमें ये जो घटनाएं होती है इसमें कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारतीय प्रधानमंत्री जो इस समय हैं, और जो कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री कह सकते हैं अमित शाह जी हैं, उस समय उस राज्य के राजगृह मंत्री भी थे, और कह सकते हैं कि मोदी जी उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री भी थे 2002 में, इसलिए इनका नाम या उसका हाथ माना जाता है। तो ये देख सकते हैं कि ट्रेन के जब घटना घटित हो गई थी उसके बाद जो इमेज वहाँ से मिला है, इसके आप देख सकते हैं कि इस इमेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति थी। ट्रेन को पहचानना मुश्किल था कि ये साबरमती है या कोई और एक्सप्रेस है। तो ये थी हमारी आज की पहली घटना के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि नानावटी जो आयोग था वो किससे संबंधित था, तो वो गोधरा कांड या गुजरात दंगा के नाम से प्रसिद्ध था। ये कब हुआ था, तो 2002 में ये हुआ था। कौन सी ट्रेन थी, तो साबरमती ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन थी, और कौन सा कोच था, तो S6 था। इसी प्रकार से अगर इसी के बारे में, इसी टॉपिक से फिर आप नानावटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे लिखिएगा, कमेंट करिएगा सिर्फ सर नानावटी, क्योंकि ये एक एक टॉपिक जो है एक एक दिन या दो दो दिन के टॉपिक हैं, तो मैं इसके लिए अलग से आपको स्पेशली मतलब कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं 15 ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ, आपको मैं पूरे क्लियर करूँ। दूसरा हमारा है लिब्राहन आयोग। अब आप बात कर रहे हैं, देखिए जो इस समय हाइलाइटेड है उसी को मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। लिब्राहन आयोग क्या है, लिब्राहन आयोग आप समझ सकते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है ये आपका है, उसी के बारे में यह है। 1992 में कुछ लोगों ने, अब भाई बाबरी मस्जिद मस्जिद को कौन गिराएगा, हिंदू लोग गिराएंगे क्योंकि मुस्लिम तो भाई उनका घर, अब कोई मंदिर को कौन तोड़ेगा, मतलब उसे उसके विरोधी लोग ही एक तरह से कह सकते हैं, विरोधी धर्म वाले ही तोड़ सकते हैं। मैं किसी का मतलब यहाँ पे देखे बुराई या भलाई नहीं करूँ, क्योंकि मैं जो मामला है मैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको मतलब बुरा लगे तो आप थोड़ा सा मतलब माफ़ करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ये जो घटना हुआ था ये आपका 6 दिसंबर 1992 को हुआ था, और ये इसी तरह से वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी उसको मतलब कह सकते हैं कि हिंदू जो लोग हैं उन्होंने इसको गिरा दिया था। तो मैं चलिए आपको इमेज दिखाता हूँ कि जब ये घटना घटित हो गई थी उसके बाद कैसा हाल वहाँ का रहा है, ये मैं आपको दिखाना। तो ये देखिए ये मंदिर का जो कह सकते हैं कि मस्जिद का ये इमेज है, आप मस्जिद का इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ये सब आग है, वहाँ पर इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और इसकी कह सकते हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में डेली कह सकते हैं कि सुनवाई चले, और जल्द ही आ जाएगा कि वहाँ पे क्या बनना चाहिए, मस्जिद रहेगा या मंदिर रहेगा, जो भी आएगा उसको हमको सुप्रीम कोर्ट का फैसला को मानना ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा तीसरा आयोग है, तीसरा आयोग है हंटर आयोग। अब बात करते हैं कि हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जितने भी मैं 15 में से कोई ये नहीं कह सकता कि 14 मतलब इसमें से एक मतलब ऐसा नहीं था कि जो हमको मतलब अच्छा नहीं लगा या कह सकते कि बहुत स्पेशल ना हो, जो पेपर में नहीं पूछा जाता। 15 में से 15 सभी को अच्छा लगेगा और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मैं आपको बात करूँगा आज का जो हमारा तीसरा है हंटर आयोग। देखिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका मैं PDF भी लगा दूंगा, और KLD इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी मैं इसको अपलोड कर दिया हूं, और वहां से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को दो बार देख लीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप स्पेशली कह सकते हैं कि वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक हमको नहीं समझ आए, मैं उसके बारे में स्पेशली उसी के टॉपिक के बारे में आपको वीडियो लगा के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था हमारा हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी जानते होंगे और पूरी विस्तार से पढ़ते भी होंगे, किताब में हर प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि क्यों घटना मतलब कैसे घटी थी। तो 13 अप्रैल 1919 का ये समय था, और कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य था, और वहाँ का जो शहर है अमृतसर, और वहाँ पे अमृतसर ऐसा समझ सकते हैं कि पंजाब राज्य में अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग वहाँ पे एक स्थान है। वहाँ पे कह सकते हैं कि बैसाखी का दिन था, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे कह सकते हैं कि अपने जो होता ना कि समस्याओं को दूर करने के लिए, तो उसी से संबंधित ये सभाएं हो रही थी। लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, ये तो लग रहा कि मतलब कह सकते हैं कि दंगा फसाद या मतलब कि लोग जागरूक कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों को भगाओ, ऐसे कुछ लगा, इसलिए उन्होंने कह सकते हैं कि जनरल डायर उस समय वहाँ के मतलब शासक थे, मतलब जो शासन चला रहे थे उनके पास पूरी पावर थी कह सकते हैं प्रशासन चलाने का, इसलिए उन्होंने आदेश दिया। और ये एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊँगा, और ये आप इमेज भी देख सकते हैं, ये इमेज देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये 1919 की
इमेज है इधर वाला, जो कह सकते हैं कि बाएं साइड में 1919 का इमेज है, ये 2019 का है। 100 साल इसके पूरे हो चुके हैं 13 अप्रैल को, और घटना अभी भी आपको अगर वहाँ पे जाने का मौका मिले तो जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वहाँ पे सभी के लिए खोल दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पहले गोलियों के निशान थे, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूँगा जिससे आपको और क्लियर होगा कि कैसे ये घटना इतनी खतरनाक हो गई थी और इससे कितनी जन धन कह सकते हैं हर प्रकार की हानि हुई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी और कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इसमें मारे गए थे, और आज भी आप देखेंगे वहाँ पे जाके ये जो दीवार हैं कह सकते हैं, देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद जो बने हुए हैं यहाँ पे, जो गोली के निशान आज भी उसी तरह से बने हुए हैं, उसी तरह से पाए गए हैं। इतने खतरनाक, इतने गोलियाँ, इतने कह सकते हैं कि लोग मारे गए थे। मैं आपको एक और इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा कि कितने खतरनाक। और देखिए हुआ ये था कि यहाँ पे लोग सभाएं कर रहे थे और उनको ऐसा नहीं अंदाजा था कि ऐसा इतना बड़ा दंगा फसाद हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी सबसे बड़ा कारण ये था, ये घटना इतनी बड़ी होने की, कि ये जो इस तरह से था, मैं आपको थोड़ा सा इसको बना के आपको इमेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर होगा। देखिए जैसे होता है ना कि कोई चीज़ होता है इस तरह से, तीन तरह से ये घिरा हुआ था इस तरह से, बस एक तरह से थोड़ा बहुत इसमें से रास्ता था जहाँ से जाने के लिए, तीनों तरह से पूरी दीवार बनी हुई थी, बस यहाँ से इस तरह से इन करने के लिए रास्ता था। यहीं से कह सकते कि जनरल डायर और जो अंग्रेज की पूरी जो फोर्स थी, ये देखिए आप फोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने यहीं से पूरे कह सकते हैं कि आक्रमण किया। ना तो लोग इधर भाग सकते क्योंकि इधर पूरा दीवार था, इधर भी दीवार था, हर तरह से ऊँची ऊँची दीवारें थी जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, इसलिए इतनी बड़ी घटनाएँ हो चुकी थी। और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कह सकते हैं कि आगे के जो टॉपिक हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं किसी दिन इसके बारे में और डिटेल एनालिसिस कराने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारा चौथा है जैन आयोग। ये जैन आयोग क्या है आप इसके बारे में भी अच्छे तरह से जानते होंगे, तो चलिए मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैन आयोग जो संबंधित है वो राजीव गांधी हत्याकांड, जी जो राजीव गांधी कह सकते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री या सबसे युवा प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो इनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या कब की गई थी कह सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 21 मई का वो समय था और 1991 वर्ष था कह सकते हैं, 21 मई 1991 को इनकी हत्या कहाँ पर की गई थी कह सकते हैं कि, और कैसे बम विस्फोट के माध्यम से इनकी की गई थी। तो यहाँ पे देखिए एक संगठन था, आतंकवादी संगठन कह सकते हैं कि उस समय घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इनसे इसके बारे में अगर हम बात करेंगे कि पूरा विस्तार से क्यों जो ये संगठन है लिट्टे जिसे कहा जाता है, LTTE जिसके बारे में मैंने फुल फॉर्म लिख रखा है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलेम कह सकते हैं, इसके ऊपर फिल्म भी बनी चुकी है, आप उसको देख सकते हैं क्योंकि ये श्रीलंका से संबंधित था, तो इसके बारे में हम किसी दिन और बात करेंगे। तो ये इसके कह सकते हैं कि राजीव गांधी जी जो हत्याकांड था उसके लिए कौन से आयोग की गठन की गई थी, तो जैन आयोग का गठन किया गया था। तो ये थी हमारी चौथी घटना। आगे बढ़ते हैं, आज के जो हमारा पांचवी घटना है, आज का जो पांचवा आयोग है, पांचवा आयोग हमारा है फूकन आयोग। फूकन आयोग क्या था ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फूकन आयोग जो था वो तहलका टेप कांड, ये क्या है तहलका टेप कांड, कह सकते हैं कि जो उस समय रक्षा मंत्री कौन थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस उस समय रक्षा मंत्री थे भारत के, उन्होंने कह सकते हैं कि जो कुछ हथियार और कुछ दूसरे देशों से हथियार खरीदा था, तो कहा गया था कि मतलब कि जितना रेट था उससे अधिक पैसा खर्च किया गया, या कह सकते हैं कि भारत सरकार का जो पैसा उसको फालतू उड़ाया जा रहा, इस तरह से उनके ऊपर आरोप लगा। और उस समय जो सरकार थी कह सकते हैं कि सत्ता में 2004 में, उसके ऊपर भी इस तरह से आरोप लगा। तो हुआ ये था कि जिस कंपनी से ये मतलब कि खरीदा गया था, उस कंपनी ने एक ऑडियो रिकॉर्ड रखा था, उसी को कह सकते हैं कि वायरल कर दिया था, इसीलिए ये मामला बहुत ही तूल पकड़ा था, तो उसमें सरकार को जवाब देना था। तो उस समय जो रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, ये आप देखिए इसी इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जॉर्ज फर्नांडिस, तो इसीलिए ये बहुत ही कह सकते हैं हाईलाइटेड था। तो ये आपका आयोग है फूकन आयोग, जो किससे संबंधित है, तहलका टेप कांड, जो कब हुआ था 2014। इसमें बस आपको ये समझना होगा कि ये कह सकते हैं कि रक्षा जो खरीदी जाती है, हथियार खरीदा जाता है या जो विमान खरीदे जाते हैं, उसमें जो घटना है मतलब उसमें घुसखोरी, ऐसा कह सकते हैं कि जो पैसा का हुआ था उसी के लिए ये आयोग का गठन किया गया था। तो ये थी हमारी पांचवी। आगे बढ़ते हैं आज के छठवें नंबर जो हमारा आयोग है, जिसे आयोग नहीं कहेंगे अब समिति, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि समिति और आयोग में बहुत बड़ा अंतर होता, तो ये आपको क्लियर करना होगा। तो छठा हमारा है नरसिम्हन समिति, ये किस लिए बनाया गया था, तो देखिए मैंने पहले बताया कि जो समिति होता वो किसी सुधार के लिए, जैसे बैंकिंग और वित्तीय सुधार, कि कैसे बैंक में सुधार किया जाए कि जिससे जो पैसा बैंक वाले दे के बड़े बड़े व्यापारी या जो जैसे होता नीरव मोदी या विजय माल्या ऐसे लोग पैसा लेके भाग गए, तो ऐसे कैसे सुधार किया जाए कि इससे जो भ्रष्टाचार या रोका जा सके, इसी के लिए समिति का गठन किया जाता है। और आयोग का गठन किस लिए किया जाता है, कि कोई घटना या कोई कांड हो चुकी है उसके बारे में एक विशेष कह सकते हैं कि मतलब कि बारे में जानने के लिए क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको कैसे रोका जा सकता है, आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए इसको हम कम से कम कर सकते हैं, इसलिए जो होता आयोग का गठन किया जाता है। तो आपको समिति और आयोग में अंतर समझ में आ गया होगा।
देखिए जो नरसिम्हा समिति थी इसके इसके लिए गठित की गई थी। तो मामला है बैंकिंग और वित्तीय सुधार, यानी कि बैंकिंग में कैसे कितने बैंक होने चाहिए देश में, या बैंकिंग में कैसे हम सुधार कर सकते हैं कि जिससे बैंक का जो घाटा हो रहा प्रति वर्ष कह सकते हैं वो ना होके एक तरह से बैंक अच्छे फायदे में हो, जिससे सरकार को, केंद्र सरकार को फ़ायदा हो, सभी को फ़ायदा हो, इसलिए ये गठित की गई थी। तो ये 1991 इसका गठन किया गया था और उसी वर्ष इसने वित्तीय सुधार के लिए सरकार को कई सलाह दिए। अब ये सलाह जो होता है सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, आज मान सकती है, 10 साल बाद मान सकती है, लेकिन जो आपका जो आयोग होता है उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े जो मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही चलते हैं, तो सरकार को भी, सरकार उसमें तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि सरकार की गलती होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है उस सरकार को मानना ही होता। तो और 1998 इसने बैंकिंग के सुधार, बैंकिंग के क्षेत्र में इन्होंने सुधार के सुझाव दिए। तो आपको बस यही समझना होगा कि जो नरसिम्हा समिति थी उसने बैंकिंग और वित्तीय सुधार के लिए कह सकते हैं कि सरकार को सलाह दिया था, इसके बाद सरकार ने कई कार्य किए। आगे बढ़ते हैं आज के जो हमारा 7वां नंबर का समिति है, रंगराजन समिति। ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आपको यहाँ पे, देखिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि 15 ऐसे पॉइंट हैं आपको क्लियर होने चाहिए, और अगर कोई भी क्लियर नहीं होगा तो आप उसको नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर आप इस पर स्पेशली कोई वीडियो बनाइए, मैं आपको जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ये है मामला भुगतान संतुलन, कह सकते हैं कि जैसे गरीबी के बारे में इसमें इन्होंने एनालिस किया था। इसके पहले भी तेंदुलकर से जो आयोग, देखिए नीचे लिखा भी है तेंदुलकर आयोग का गठन किया गया था, इसके पहले भी इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था। तेंदुलकर आयोग ने ये कहा था कि स्थिति भारत में सही है, इतनी स्थिति गड़बड़ नहीं है कि ज़्यादा सरकार को मतलब कृषि के लिए या जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर खर्च करना है। लेकिन जब रंगराजन समिति का गठन किया, इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट 2000 कह सकते के बारे में पेश किया, तो इन्होंने बताया कि जो तेंदुलकर जो समिति थी उसमें कुछ खामियां थे या जल्दीबाजी में इसको पेश किया गया, इसलिए इसका सही से एनालिस नहीं गया। तो जो रंगराजन समिति थी उन्होंने अपना जब रिपोर्ट पेश किया 2012 में, उन्होंने ये बताया कि प्रति 10 लोगों में से, जैसे 10 लोग आपके मतलब आसपास कोई भी गांव के हों या किसी भी तरह से हों, तो 10 लोगों में से 3 लोग ऐसे होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इन्होंने तेंदुलकर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसकी आलोचना की और उसे सिरे से खारिज कर दिया कि इन्होंने सही से एनालिस या उस ग्राउंड लेवल पर जाके इन्होंने एनालिस नहीं किया, इसलिए इसे सरकार को नहीं मान के रंगराजन समिति को मानना चाहिए। तो ये थी हमारी कह सकते हैं कि 7 नंबर का कि रंगराजन समिति क्या थी। ये देखिए यहाँ पे एक इमेज से आप समझ सकते हैं कि गरीबी समस्या और निदान, इन्होंने इसके बारे में बताया था कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है और क्या क्या समस्या आ सकती हैं सरकार के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 8वें नंबर का जो हमारा है, राजा चलैया समिति। ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनका मामला है टैक्स में जो सुधार, जैसे आप समझ सकते हैं ना कि आज GST कह सकते हैं कि लागू हो चुका है, 2 साल से ऊपर हो भी चुके हैं इसके लागू हुए, तो सरकार को फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह से समय समय पर वैट कह सकते इस तरह से जो आ रहे थे उसी के बारे में, टैक्स के बारे में इन्होंने सुधार के बारे में बताया था। तो आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं, देखिए आपको पूरे विस्तार से जानना नहीं है कि क्या था क्या नहीं, बस आपको ये समझना होगा कि राजा चलैया समिति किससे संबंधित था, किसके लिए मतलब बनाया गया था। तो कर सुधार या टैक्स को सुधार करने के लिए 1991 बनाया गया था। इस समिति ने केंद्र सरकार को टैक्स को लेकर कई सुझाव दिए कि कैसे आप इसको टैक्स को सुधार कर सकते, जो पैसा चोरी हो रहा, लोग दे नहीं रहे, बड़े बड़े कंपनियां नहीं दे रही हैं, उससे आप कैसे पैसा निकलवा सकते हैं या कैसे आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि जब तक सरकार पैसा पाएगी नहीं तब तक पैसा कहाँ खर्च करेगी, ये आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक मतलब आपको लग रहा है पॉइंट की क्लियर नहीं हो रहा तो आप उसको नीचे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो जरूर बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं आज का जो 9वां हमारा आयोग है, या कह सकते हैं कि 9वां पॉइंट है ठक्कर आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अभी हाईलाइटेड था, क्योंकि जो इसमें केसेस थे इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए ठक्कर आयोग किस लिए गठित किया गया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ। ये मामला था आपका इंदिरा गांधी जी जो हत्याकांड हुआ था, आप समझ सकते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 को ये इनकी हत्या की गई थी, और कौन कौन से लोग किए थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके 2 निजी सुरक्षाकर्मी, जैसे होता ना कि मिलते हैं बॉडीगार्ड, तो उसी तरह से तो 2 भाई थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, ये कह सकते हैं इन्होंने दोनों ने मिलकर इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी। कब की थी, तो 31 अक्टूबर, ये डेट भी आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, 31 अक्टूबर 1984 को उनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो ये थी हमारी आज के सबसे इंपॉर्टेंट, और आगे भी मैं और आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ तेज कदमों से चलते हुए इन्होंने उनके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के जो 10वां नंबर हमारा समिति है, जिसको कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 99% कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जाता जिसमें संविधान के क्वेश्चन पूछे जाए और उसमें बलवंत राय मेहता समिति से के बारे में क्वेश्चन ना पूछा जाए। 95% तो मैं आपको 95% तो लिख के दे सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, जो UPSC के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो छोटे लेवल के पेपर कराए जाए या बड़े लेवल के, उसमें हमेशा ये पूछे जाते हैं।
चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बलवंत राय मेहता जो समिति है वो किसके लिए गठित की गई थी, क्या उन्होंने सुझाव दिया था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मामला था पंचायती राज व्यवस्था। जैसे सबसे पहले देखिए, जब कह सकते हैं कि 1959 के पहले कहीं पर भी पंचायती नहीं था, सिर्फ ऐसे जैसे विधायक या लोकसभा के जो सांसद और राज्यसभा के जो सांसद ऐसे ही बड़े बड़े लोग होते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि DPSP, आप पढ़ते होंगे, DPSP मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में अगर बात किया जाए कि संविधान के अनुच्छेद, मैं आपको बता देना थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आर्टिकल कहिए या संविधान कहिए, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल 36 से लेके 51 के बारे में DPSP, ये DP है कह सकते हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसे आप राज्य के नीति नहीं दे सकता तो कह सकते हैं, या जिसका अर्थ होता है मतलब कह सकते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि अनुच्छेद भी आता है जिसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि कब क्यों किया गया था। तो अनुच्छेद आपका 40 आता है, अनुच्छेद 40 के तहत ये भी गया है कि जो राज्य सरकार होगी वो कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन करेगी। ग्राम पंचायत जो होता है ना, कि ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, आप ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ते भी होंगे, या कह सकते हैं आपके आसपास आपके चाचा भैया या कोई भी आपका तो होगा ही नहीं खास कह सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 40 के ही तहत कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने का हकदार होता है। ये राज्य सरकार के ऊपर होता है कि वो उसके गठन करे या ना करे, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये न्याय योग्य या कह सकते हैं ये न्याय योग्य नहीं होता, इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने सुझाव दिया था कि कैसे, क्योंकि देखिए गांधी जी का जो सोच था, मैं आपको थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि गांधी जी का क्या रोल था। तो गांधी जी सोचते थे कि जो गांव के लोग हैं उनको अधिकार दिया जाए कि वो अपना कह सकते कि प्रोग्रेस या अपना जो उन्नति कैसे कर सकते हैं, वो अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसे भाई प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है पूरे देश के लोगों से नहीं मिल सकता है, तो इसलिए ऐसा उनको पावर दिया जाए, इसलिए ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ये देखिए मामला है पंचायती राज व्यवस्था, आपसे बस यही समझ रहा कि बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किस लिए किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, सरकार से लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि देखिए जब तक हर लोगों को जो हम कह सकते हैं कि जागरूक नहीं करेंगे, हर लोगों के पास सरकार की बात नहीं पहुंचेगी, तब तक हम उस देश का कह सकते हैं कि आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है इस समिति ने केंद्र सरकार को 1998 में अपनी रिपोर्ट, और ये कब गठित किया गया था ये मैं आपको बताऊँ, ये जो गठित की गई थी समिति बलवंत राय मेहता 1957 में गठित की गई थी, और 1998 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया था। उस समय आप समझ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, PT नेहरू जी थे। उन्होंने इस पे अमल करते हुए जो राजस्थान राज्य है वहाँ पे जो जिला है कह सकते कि नागौर, आप जानते भी होंगे पढ़ते भी होंगे, नागौर जो जिला है वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, और कब इसका लागू किया, 2 अक्टूबर कह सकते हैं। मैं आपको एक बार और पेन से दिखाना चाहता हूँ कि देखिए 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले इन्होंने राजस्थान के राज्य के नागौर जिले में देश का पहले प्रधानमंत्री लागू किया, और इससे जब सफल हो गया इसके बाद पूरे देखिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शामिल किया गया था, उसके बाद जैसे ही सफल हुआ उसके बाद पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि पंचायती राज जो व्यवस्था है इसका कह सकते हैं कि इसके बारे में और समितियों का कह सकते हैं कि गठन किया गया था कि जो इससे रिलेटेड जानकारी दे। तो देखिए बलवंत राय मेहता, ये तो मैंने आपको बारे में बता दिया, इसके बाद अशोक मेहता, वो भी इसी तरह से रिलेटेड जानकारी दिए थे, PV कह सकते हैं कि नरसिम्हा राव, ये भी दिए थे, उसके बाद सिंघवी समिति। इसका मैं समझ सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 4 समितियां गठन की गई थी, कौन कौन, बलवंत राय मेहता समिति, मैं आपको एक मिला देना चाहता हूँ, देखिए अशोक मेहता समिति, PVK कह सकते हैं कि राव समिति, और लास्ट था सिंधवी समिति। तो ये थी हमारी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं आज के जो 11 नंबर का हमारा है सरकारिया आयोग, ये क्या है सरकारिया आयोग के बारे में हम बात करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, उससे मतलब नहीं, क्योंकि मैं हर पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक ये क्लियर हो पा रहा मैं कर दे रहा हूँ, और जैसे अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप उसको मैं हर एक पॉइंट को जैसे जो आपका अभी आपने पढ़ा है कि बलवंत राय मेहता समिति क्या होता है, इसके बारे में क्यों गठित किया गया था, कितने लोग थे, कौन कौन से सदस्य थे, और कब रिपोर्ट पेश किया, उसमें क्या पॉइंट था, ऐसे अगर आपको जानना है कह सकते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसी टॉपिक के ही बारे में बस डिस्कस करूँगा, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, या कोई भी 10 मिनट में हो जाएगा, मैं 10 मिनट में भी कर दूँगा, लेकिन वो सब चीज़ें हैं थोड़ा लंबा होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का 11 नंबर है सरकारी आयोग, ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप समझ सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद रहता है। देखिए विवाद कब होता है, जब केंद्र में किसी दूसरे पार्टी की सरकार हो, और राज्य में कह सकते हैं राज्य सरकार में राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार हो। जैसे मैं आपको बता देगा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे केंद्र में इसमें BJP की पार्टी, और राज्य में किसकी पार्टी है, जैसे दिल्ली की बात की लीजिए तो वहाँ पे आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसमें हमेशा टर्नबन लगा रहता है, या मतलब पड़ता नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, या आप वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल का ले सकते हैं, सरकार ले सकते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए ये आयोग किया गया था कि सरकारी आयोग। हुआ ये था
कि 1983 में, मैं आपको ये घटना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हुआ था। 1983 में जो आपका कर्नाटक राज्य है, वहाँ पे सरकार को बर्खास्त कर दिया था। वहाँ पे जो राज्य सरकार थी, जैसे मुख्यमंत्री है, उनको बर्खास्त कर दिया गया था समय से पहले। अब ये इनको बर्खास्त कौन करता है, तो राज्यपाल के, कह सकते हैं कि सिफारिश पे, राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति जो होता है देश का, वो इनको कह सकते हैं कि बर्खास्त कर देता है कि अब मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसी को लेकर उन्होंने, कह सकते हैं कि 1983 में ही, 1983 और 84 का समय था, उन्होंने कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम सरकार को चुन के, मतलब कह सकते कि जनता से चुन के आते हैं, और हम लोग इतना मेहनत या कह सकते कि इतना समय के बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, और एकाएक कह सकते कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के माध्यम से इसको कभी कह सकते कि कभी भी भंग कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ हम लोग के भी मतलब अधिकार होने चाहिए। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसमें भी कह सकते हैं कि किसके हाथ होने चाहिए, मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये उन्होंने कहा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है और जो नियुक्ति कर राष्ट्रपति, वो सबसे पहले मुख्यमंत्री से भी पूछे, उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह ले कि इसे राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं क्या ये सही है, ये दूसरे का किया जाए, इसी के बारे में बहस था। तो जो कह सकते हैं इसका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश या कह सकते हैं कि जो फैसला है था 1988 में, उन्होंने ये कहा कि अब अगर राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाएगा, क्योंकि अचानक कह सकते हैं कि बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये मामला आया था जिसका नाम है सरकारिया आयोग, समझ सकते हैं ना। तो इसी के बारे में, लेकिन कुछ दिन तक चलता रहा कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से होती रही, लेकिन बाद में दोबारा फिर वही राष्ट्रपति के, मतलब कह सकते हैं कि आदेश पे होता रहा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आज का जो हमारा कह सकते हैं कि लास्ट भी होगा, क्योंकि मैं आगे जो बच रहे हैं और इससे और इम्पोर्टेंट मैं आपको और अपडेट करने की कोशिश करूँ। अगर ये वीडियो यहाँ तक भी आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए आज बढ़ते हैं आगे, आज का जो लास्ट होगा, क्योंकि मैं 15 कहा था लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और पहला वीडियो है इससे इस तरह से, तो मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिएगा, मैं इससे और अभी इसमें बचे हुए 3 इसमें बचे हैं और मैं 15 से 20 और लिख के रखा हूँ, उसको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 2 पार्ट में बना के। वो देखिए हमारा आज का 12 नंबर है, 12 समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा समिति है मुखर्जी समिति। ये मुखर्जी समिति क्या है, इस पर आप समझ सकते हैं कि जब से मोदी सरकार है तब से अधिक इस पर ध्यान देने की शुरू सोची है, इसलिए ये बहुत ही हाईलाइट देता है। ये मामला है कि आप समझ सकते हैं कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में समझ सकते हैं, उनकी जो हत्या हुई थी या कह सकते हैं कि जो घटना घट गई थी वो अचानक हुई थी, और कह सकते हैं कि किसी को पता नहीं है कि कैसे उनका निधन हुआ और कहाँ पर हुआ, किस देश में हुआ, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसी के बारे में जो जाँच समिति जो बनाई गई थी वही आपका कह सकते हैं कि आपका मुखर्जी समिति के नाम से जाना जाता है। और मैं थोड़ा सा इनके बारे में 2 लाइन दिया भी, आप पढ़ सकते हैं कि नेताजी की हत्या 1945 में ताइवान के विमान हादसे में किया गया था। अब ये कैसे सोची समझी घटना थी, क्योंकि कुछ इसके बाद नेताजी कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे भारत देश और जो इस तरह से जो भारत देश की तरह और भी देश गुलाम थे उनको फ़ायदा होने वाला था, इसीलिए उनको इस तरह से घटनाएं घटित कर दी गई थी। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये यहाँ से आपको 12 पॉइंट मैंने आपको 12 ऐसे समिति और आयोग मिला के मैंने बताया, अगर 12 में से आपको 10 भी क्लियर होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपको 9-10 भी आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। क्योंकि देखिए भाई इतना मेहनत, देखिए मेहनत तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखिए क्योंकि हर आदमी अपने ही लोगों अपने ही तरह से हर प्रकार से मेहनत करने की कोशिश करता है, तो किसी को अच्छा भी लग सकता है किसी को नहीं लगता, कोई मतलब नहीं है, ऐसा दिक्कत नहीं है। पर आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके दोस्त हैं अगर पढ़ने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है, सेकंड पार्ट इससे अच्छा और भी होगा, मैं बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये अभी पहला पार्ट था, और जो भी कमी रहेगी आप इसमें सुझाव दे सकते हैं, और जब भी कहेंगे जैसे ये तो आज वीडियो मतलब कल ये प्रोवाइड होगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसी कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट और विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा, हर प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड करूँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।